देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे अररिया, नगर थाने का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान टाउन थाना में तैनात तमाम पुलिस कर्मी से बातचीत करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। सीमांचल दौरे पर निकले हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में जाकर थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर कार्यरत पुलिस कर्मियों से बात कर रहे हैं। अररिया में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सफलतापूर्वक सरस्वती पूजा संपन्न कराने के लिए अररिया SP धूरत साइली को दी बधाई। मौके पर अररिया SP धूरत साइली, SDPO KD सिंह, थाना प्रभारी किंग कुंदन मौजूद थे। DGP गुप्तेश्वर पांडे अररिया से सुपौल के लिए रवाना। सरस्वती पूजा का शांतिपूर्ण ढंग से मैं अररिया SP के इसके लिए धन्यवाद करने आया था। ऐसे में पूरे सीमांचल के दौरे पर जैसे मैं सुबह 7 बजे 6:30 बजे कटिहार पहुँचा। कटिहार में वहाँ समीक्षा की, कई थानों का निरीक्षण किया। कटिहार के बाद में पूर्णिया पहुँचा, पूर्णिया SP साहब IG साहब के साथ वहाँ का भी निरीक्षण किया कई थानों का, और उसके बाद में अररिया आया। कहाँ से मैं जाऊँगा सुपौल, सुपौल से मैं जाऊँगा सहरसा, सहरसा से मैं जाऊँगा फिर दरभंगा, उसके बाद जाऊँगा मुजफ्फरपुर, उसके बाद जाऊँगा वैशाली, इतने जिलों का करके फिर मैं अपना लोग। उसके लिए DGP साहब ने आपको धन्यवाद दिया, कैसे देखती हैं आप इसको? ये तो बहुत ही हमको अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर्स हमारी पीठ थपथपाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी आगे मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। अररिया मैम आप पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? यहाँ तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रहा। देखिए अररिया जिला में ही मैंने जितनी भी प्रोन्नति करनी थी वो पूरी अररिया जिला में ही कर ली, वो भी इतने कम समय में। तो अररिया जिला मतलब एक हिस्सा ही हो गया है मेरी लाइफ का।